हेलो भाई, जब से किया वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। सो आज है हमारा मथुरा का सेकेंड डे ट्रिप। अभी तक आपने अगर पहला ट्रिप नहीं देखा तो जाके सबसे पहले पहला ट्रिप देखिए, तब आपको समझ में आएगा। क्योंकि हम लोगों ने पहले दिन में ही दो ब्लॉग शूट किया था और दोनों ब्लॉग का वहीं पेंट कर दिया था और टोटल 4 से 5 टेम्पल को कवर किया हुआ था। अभी हम लोग नहा धो के सुबह हो गए, 9 बज गए और अपन निकल रहे हैं यहाँ से प्रेम मंदिर के लिए। राइट, प्रेम मंदिर यहाँ से अपने को 3 किलोमीटर की दूरी पे है, ज़्यादा नहीं है, 3 किलोमीटर दूरी पे है। बट अपना जो दूसरा है, कौन सा अंचल मंदिर है, कौन है, और बरसाना तो नहीं है? नहीं, जो 13 किलोमीटर दूर बता रहा था, जाना है बरसाना जाना अपने को, यहाँ से अपने को 13 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल करनी पड़ेगी। और उसके बाद अपन कोशिश करेंगे कि आज जितना यहाँ पे घूमना है शाम तक अपन आगरा में रहेंगे। आज रात आगरा में बिताएंगे एंड कल सुबह घूम घाम के निकल जाएंगे लखनऊ के लिए। अगर टाइम मिला तो लखनऊ में भी 1-2 दिन बिताएंगे, अदरवाइज या फिर हम लोग घर निकल जाएंगे। सो यार, यही है ट्रिप का प्लान पूरा घूमने के लिए। सबसे पहले यहाँ से निकलते हैं, आज नाश्ता करते हैं, नाश्ता करके निकलते हैं अपन प्रेम मंदिर के लिए। तो हियर इट इज गाइस, अपन पहुँच चुके हैं प्रेम मंदिर पर। कैसा लग रहा है अंशुल तुमको? अंशुल भाई, ये देखो, ये सामने दिख रहा है आपको प्रेम मंदिर दिख रहा है और भीड़ भाई यहाँ पे। अरे राम रे राम, मेरा फर्स्ट टाइम है प्रेम मंदिर पे, लेट्स सी। नहीं, तुम्हारा तो सपना था है, तुम्हारा सेकेंड भी होगा, थर्ड भी होगा, हमारा तो कई बार होगा, कई बार होगा, बट दिस इज माय फर्स्ट टाइम। तो चलते हैं फटाफट से प्रेम मंदिर के अंदर। हम लोग नाश्ता करने वाले थे बट किए नहीं गए, सोचा पहले दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद नाश्ता खाना पीना ये सब होगा। तो देखो, प्रेम मंदिर तो यहाँ से शुरुआत हो चुका है, बाकी देखते हैं अंदर ले जाने देते हैं कि नहीं। देखिए, थोड़ी सी स्ट्रैटेजी हो गई अपने साथ, यहाँ जूता चप्पल छोड़ो, सामान भी अंदर ले जाने नहीं दे रहे हैं। अब इतना सारा सामान लेके हम लोग कैसे चलेंगे कहाँ पे, ये बहुत बड़ा सवाल है। वहीं तो अंदर नहीं ले जाने दे रहे हैं। देखिए, आप ये देख सकते हो मंदिर। और भाई सबसे बड़ा ट्रेजर देखो, ये जो सामान सब छोड़ के जा रहे हैं। तो सीन अभी ऐसा होगा कि हमें लगता है एक लोगों को रुकना पड़ेगा बे, एक ही लोग अंदर जा सकेगा। एक बैग कैसे कर दे, एक बैग कर दे, मतलब करूंगा, हमें क्या पता कैसे कर। अब तो देखो फर्स्ट तो गए हैं। सो गाइस, देखो सीन ऐसा, सो गाइस सीन ऐसा है कि देखो बैग जमा नहीं हो रहा है, बैग जमा करने का ये लोग भाई धंधा खोल रखे हैं। पर बैग 20 रुपए भाई, 80 रुपए में तो नाश्ता कर लेंगे एक आदमी, दो बंदे बैठ के ना, एक आदमी 80 रुपए में नाश्ता कर लेगा। 2 जन नाश्ता करो, काम करते हैं, 2 जन घूम के आते हैं, फिर हम 2 जन नाश्ता कर लेंगे, 2 जन। इससे क्या हो रहा है, नाश्ता भी जाएगा, घूमना भी हो जाएगा, टाइम भी एक्स्ट्रा देना पड़ेगा अपने। चल तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया देखो कि यहाँ पे 20 रुपए पर बैग, 5 बैग है मतलब 100 रुपए देना है, 5 बैग देने से 100 रुपए देना। अच्छा भाई, 2 नाश्ता करे, 2 सामने मंदिर है घूम के आ जाए, फिर 2 नाश्ता करे, 2 घूम के आ जाए, ऐसे क्या होगा, घूम भी लेंगे, रेस्ट भी मिल जाएगा भाई, इसमें एक और फायदा हो जाएगा, घूमने के बाद थोड़ा रेस्ट भी मिल जाएगा अपने को। तो लेट्स गो, चलते हैं। तो भाई देखो, कैमरा अंदर लाने नहीं दिया अपने को, बट यू कैन सी द टेम्पल। अब यहाँ अगर रात में आते तब मजा आता, दिन में तो बहुत गर्मी है भाई यहाँ पे, देख सकते हो ये पूरा अभी बंद हो गया, पता नहीं क्यों, फूल तोड़ना अलाउड नहीं है। बाकी आप देखो कितना बड़ा है ये प्रेम मंदिर भाई, बहुत धूप है, बहुत गर्मी है भाई, फिर भी हम आपको दिखा रहे हैं।
सो गाइस अपन किसके अंदर से, प्रेम मंदिर के अंदर से निकल गए भाई। सबसे बड़ी जो मिस्टेक करी थी अपन ने प्रेम मंदिर के अंदर जाते समय, ये देखो पता नहीं कौन से कलर से लगा देते हैं यार, सब देख रहे हो जा ही नहीं रहा है साला, क्या लगाया था। प्रेम मंदिर के अंदर जाते समय हम लोगों ने सबसे बड़ी मिस्टेक की थी कि अपना स्लीपर यहाँ छोड़ के चले गए थे, और भाई पूरा प्रेम मंदिर अब देखो मार्बल से बना, और इतना ज़्यादा जलन हो रहा था, इतना ज़्यादा जलन हो रहा था कि क्या ही बताएं। बहरहाल हम लोग प्रेम मंदिर से निकल गए बाहर, और अभी बैठे हैं सामने एक रेस्टोरेंट में जहाँ पे अंशुल को देखा गया था ये बैग की रखवाली करने के लिए, कि भाई तुम दोनों खाओ और बैग रखवाली करो, जब तक हम दोनों मंदिर से होकर चले जाएंगे। क्यों और कितने दिन बाद मिला थे कोई खाने के लिए? मैं कुछ चार पाँच दिन से परेशान था छोले भटूरे खाने के लिए, और 5 दिन बाद अपने को मिला एक इंडियन रेस्टोरेंट में छोले भटूरे, मतलब है तो इंडियन ही लेकिन इधर नॉर्थ साइड वाले वो फास्ट फूड टाइप के खाने ज़्यादा मिल रहे थे क्यों, और ये खाने कम मिल रहे थे, बट अपने को मिल गया, अपन टेस्ट करके। कैसा टेस्ट है देखने में गाइस? काफ़ी टेस्ट लग रहा है, सो इसको खाते हैं, तब तक अंशुल वो लोग गए हुए अंदर, उनको आने का वेट करते हैं। तो गाइस अपन आ चुके हैं अभी इस्कॉन टेम्पल में, और देखो हालत बहुत ख़राब है भाई, गर्मी बहुत है, और इसको ही खाली घूमना था मंदिर मंदिर, तो हम लोग निकलने वाले थे आगरा के लिए, बट सो गाइस फाइनली अपना बैग जमा हो चुका है। सबसे बड़ा लोचा जो यहाँ पर हर मंदिर में हो रहा है ना वो यही है, बैग जमा करो, पता नहीं क्यों बैग अलाउ नहीं कर रहा है अंदर ले जाने के लिए, चेकिंग करके सिक्योरिटी से निकाल के ले जाने चाहिए बट नहीं ले जाने दे रहे। अब अभी अपन जमा करेंगे यहाँ पे स्लीपर, और उसके बाद चलेंगे। ये देखो गाइस राइट नाउ वी आर इन इस्कॉन टेम्पल, और आप देख सकते हो हंसकर बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे, हरे राम राम। यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं गाइस, इसलिए थोड़ा सा दिखा दे रहे आपको, इतना से काम चला लो। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं, उसका क्या अलग है पता नहीं, ये म्यूजियम लिखा है ना 0 रुपीज है, तब एसी 5 रुपीज क्या होगा, कहाँ नहीं रख रहे हैं, अंदर है पानी पे हमको रखना है, ओके तो अपने को यहाँ पर टिकट रखना है। और हम लोग पहुँचे कहाँ पे, 1000 रुपीज गाइस, कहाँ पे आ गए हम सर घूमते घूमते, रेड फोर्ट आगरा मथुरा टू आगरा। हेलो गाइस अभिषेक है, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। सो अभी हम लोग मथुरा से घूमते घूमते मथुरा के आगरा के लाल किला।